नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड स्क्रीन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में गेहूं की बुआई की जाती, तो आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की उत्तम और हाइब्रिड किस्मों के बारे में, जिसे आप अपने खेतों में लगाकर उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आ चलिए हम बता देते हैं कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ के बारे में और उनकी पूरी जानकारी। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है आपका गोल्ड मयूर कंपनी की HI 8759। इसे हम पूसा तेजस भी कहते हैं। जो इसको उगाने में जो टाइम लगता है, जो पकने तक तैयार होती है, इसको टाइम लगता है 110 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। इसको जो पानी की आवश्यकता होती है, 6 से 7 पानी की इसको आवश्यकता होती है, और जो इसमें पैदावार निकलती है वो 75 से 80 कुंटल पर हेक्टर, या फिर आप 30 से 35 कुंटल पर एकड़ भी इससे पैदावार ले सकते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी छोटी होती है। हाइट छोटी होने की वजह से क्या होता है, इसमें गिरने की प्रॉब्लम बहुत कमी आती है। इसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। जो इसकी हम बुआई कर सकते हैं वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है वो है UP, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। जो इसका प्राइस है इसके बीज को, वो आप जो इसका प्राइस है वो 3500 रुपये पर कुंटल है, यानी आप इसको 3500 रुपये पर कुंटल की दर से सीड की दुकान से खरीद सकते हैं। दूसरा नंबर आता है DBW 187, करण वंदना के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो प्राइस है वो 5200 रुपये पर कुंटल आपको बीज मिलेगा। जो इसका टाइम होता है पकने तक, इसमें कम से कम लगभग 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जो इसको वाटर चाहिए, 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। जो पैदावार निकलती है इसमें 70 से 75 कुंटल पर हेक्टर होती है, या फिर 25 से 30 कुंटल पर हेक्टर। अब इसमें कम पानी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये वेराइटी वहाँ पर उगाई जाती है जहाँ पर पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये वहाँ पर आपकी बहुत फ़ायदेमंद है, जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके बाद आपका आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इन जो प्रॉब्लम्स है इनसे रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद आप इसकी बुआई कब कर सकते हैं, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है वो है UP, झारखंड, बिहार और जम्मू के कुछ इलाकों में इनकी इसकी बुआई कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका HD 3086। इसको पूसा गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस फसल को पकने में कम से कम 130 से 140 दिन लगते हैं और इसको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 से 4 पानी में ये पक जाती है। और जो इसकी पैदावार होती है वो 60 से 70 कुंटल पर हेक्टर इसकी पैदावार होती है, और इसमें कम से कम 20 या 30 कुंटल पर एकड़ भी इसकी पैदावार हो सकती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो कि 12.5% होती है। इस वैरायटी की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। और जो इसकी बुआई की जाती है वो नवंबर मंथ का जो इसका बेस्ट टाइम है, नवंबर मंथ में इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में इसकी बुआई कर सकते हैं वो मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब एंड छत्तीसगढ़। जो इसकी हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए इसके गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती। और जो इसका दाने का साइज होता है वो बोल्ड होता है और वजन में काफ़ी अच्छा होता है। अगली वैरायटी जो आती है वो है HD 3226। इसको हम पूसा SSV भी कहते हैं। ये 2018 में आई थी। इसको पकने में जो टाइम लगता है वो 130 से 140 दिन लगता है, और जो इसको वाटर रिक्वायर होता है वो 4 से 5 पानी इसको लगता है। जिसकी पैदावार है, सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है ये लगभग 80 कुंटल पर हेक्टर आपको पैदावार देती है। और जो इसमें आपका जो प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय नवंबर का समय है कि नवंबर में आप इसकी बुआई कर दें और अगर इसके बाद इसकी बुआई ना करें। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 18.1% होती है, जो कि सबसे हाई प्रोटीन वाली वैरायटी है। ये आपकी HD 3286 से काफ़ी अच्छी है, और जो इसकी हाइट होती है वो काफ़ी लेस होती है, तो इसलिए गिरने की प्रॉब्लम भी इसमें कम आती है। जिन क्षेत्रों में आप इसको उगा सकते हैं वो है UP, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आदि
नकदी क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। इस लिस्ट में पांचवें वैरायटी जो है वो है आपकी श्रीराम की सुपर 111, जो इस वैरायटी में टाइम लगता है पकने में वो 120 से 130 दिन, और जो इसकी पैदावार है वो 20 से 25 कुंटल पर एकड़ होती है। इसको जो पानी चाहिए वो 4 से 6 पानी में ये पक के तैयार हो जाती है, और जो इसकी हाइट होती है वो काफ़ी लेस होती है, तो इसमें गिरने की समस्या काफ़ी कम आती है, और जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसमें ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट जैसी बीमारियां से सेफ रहती है। इसकी बुआई का समय जो है वो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। जो क्षेत्र इसमें आप बुआई इसकी कर सकते हैं वो है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके जो दाने का साइज होता है वो मोटा होता है और वजनदार होता है, क्योंकि इसके जो 1000 दाने में आपका लगभग 50 ग्राम वजन होता है। इस लिस्ट की छठी वैरायटी है आपकी श्री राम की सुपर 303। इसमें जो टाइम लगता है इसको पकने में तैयार होने तक 125 से 130 दिन लेते हैं आपका। जो इसकी पैदावार है वो 25 से 30 कुंटल पर एकड़ है। जो इसको पानी रिक्वायर होता है वो 4 से 5 पानी में ये पक के तैयार हो जाती है। इसकी भी हाइट बहुत कम होती है, जिससे इसमें गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती, और जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो बुआई का जो समय है अक्टूबर से दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं वो है मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब और हरियाणा में इसकी आप बुआई कर सकते हैं। इसके जो दाने का साइज होता है वो मोटा होता है और चमकदार होता है। तो ये थे कुछ वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़, जिसकी आप बुआई करके अपनी पैदावार दोगुनी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये जानकारी अपने किसान भाइयों या अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।